18 जून 1969 की तारीख, रावलपिंडी स्थित एक घर में खाने की मेज पर चार लोग बैठे थे। अचानक रेडियो पर एक खबर प्रसारित हुई, कराची एयरपोर्ट पर लैंड हुए एक प्लेन पर तीन लोगों ने ग्रेनेड और बम से हमला कर दिया था। प्लेन पूर्वी अफ्रीका के एक देश इथियोपिया का था और हमला करने वाले तीन लोग इरिट्रिया के थे। 1993 में एक अलग मुल्क बनने से पहले इरिट्रिया इथियोपिया का हिस्सा होता था और लंबे वक्त तक इरिट्रिया को अलग देश बनाने की मांग को लेकर गृह युद्ध चला। बहरहाल रेडियो पर खबर आते ही खाने की मेज पर बैठे एक शख्स के दिमाग में कुछ खनका, यूरेका। आज़ाद कश्मीर की मांग को दुनिया के सामने लाने का इससे बढ़िया आइडिया हो नहीं सकता था उस शख्स के लिए। तुरंत एक प्लेन हाईजैक की प्लानिंग हुई। लगभग एक साल की तैयारी के बाद 30 जनवरी 1971 को वो दिन आया। प्लेन हाईजैक हुआ और कश्मीर से पाकिस्तान लाया गया। पाकिस्तान में जश्न का माहौल था, हाईजैकर्स को देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। इतना ही नहीं, जुल्फिकार अली भुट्टो खुद एयरपोर्ट पहुंचे और दोनों हाईजैकर्स से मुलाकात भी की। प्लेन हाईजैक करने वाले दोनों लोग रातों रात पाकिस्तान में हीरो बन गए। फिर वक्त ने करवट ली। इस घटना के एक साल बाद दोनों कटघरे में खड़े थे और पाकिस्तान हाईकोर्ट में उन पर जासूसी का केस चलने लगा। पाकिस्तान जिन्हें हीरो समझता था वो मुल्क के दो टुकड़े करवाने वाले निकले। शतरंज के इस खेल में जब पता चला कि असली बाजी कौन चलने वाला है, पाकिस्तानी हुक्मरानों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, रूपक के तौर में भी और असल में भी। 1971 में पाकिस्तान के बंटवारे में अहम भूमिका निभाने वाले इस प्लेन हाईजैक की क्या कहानी थी, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। इस कहानी की शुरुआत होती है 1950 से। क्या हुआ था इस साल? जम्मू कश्मीर प्लेबिसाइट फ्रंट नाम के एक संगठन की शुरुआत हुई। वो गुट जो जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराना चाहता था। कश्मीर के कई युवा इस संगठन से जुड़े, इनमें से एक का नाम था मकबूल भट्ट। 1959 में पुलिस से बचने के लिए मकबूल भट्ट पाकिस्तान गया और पेशावर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया उसने। यहाँ उर्दू भाषा में मास्टर्स करने के बाद 1961 में उसने पाकिस्तान में एक लोकल इलेक्शन लड़ा और जीता भी। इस दौरान वो लगातार कश्मीर की आज़ादी के लिए मांग उठाता रहा। हालांकि उसका कहना था कि कश्मीर भारत या पाकिस्तान किसी का हिस्सा न होकर एक अलग आज़ाद मुल्क होना चाहिए। 1965 में उसने अपने कुछ सहयोगियों के साथ एक गुट बनाया, नेशनल लिबरेशन फ्रंट NLF। NLF एक आतंकी संगठन था। वापस कश्मीर आया 1966 में और मकबूल और उसके साथियों ने एक CID इंस्पेक्टर अमरचंद को अगवा किया। अमरचंद ने भागने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी गई। पुलिस ने दबिश देते हुए मकबूल भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसका एक साथी औरंगजेब मुठभेड़ में मारा गया। साल 1968 में श्रीनगर कोर्ट ने इस मामले में मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन वो जेल से सुरंग खोदकर फरार हो गया। उसने एक बार दोबारा अपना संगठन खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस उसके फरार होने की कहानी को पचा नहीं पा रही थी। उन्हें शक हुआ कि भट्ट डबल एजेंट तो नहीं। इसके अलावा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI कश्मीर में अपने कोवर्ट ऑपरेशंस चला रही थी और वो नहीं चाहते थे कि NLF के नौसिखिया उनका काम बिगाड़ दें। इस बीच उसी साल मकबूल की मुलाकात दो लड़कों से हुई जो कश्मीर से पाकिस्तान पहुंचे थे, 17 साल का हाशिम कुरैशी और 19 साल का अशरफ कुरैशी। रोचक बात यह है कि इनकी पाकिस्तान पहुँचने में मदद एक BSF अधिकारी ने की थी। बदले में इनको मकबूल भट्ट के खिलाफ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी थी। हाशिम और अशरफ मकबूल से मिले और NLF में शामिल हुए। इसके बाद शुरू हुई हाईजैकिंग की कहानी। 18 जून 1969 को मकबूल ने हाशिम को एक काम की जिम्मेदारी दी। उसे भारत में एक प्लेन को हाईजैक करना था ताकि कश्मीर समस्या को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पब्लिसिटी मिले। पाकिस्तान में हाशिम को हाईजैकिंग की ट्रेनिंग मिली। उसे पिस्तौल चलाने और बम बनाना भी सिखाया गया। इसके बाद एक पिस्तौल और एक हैंड ग्रेनेड देकर उसे श्रीनगर भेजा गया, लेकिन इस दौरान हाशिम को BSF ने पकड़ लिया। पूछताछ में उसने पूरी कहानी बता दी कि कैसे मकबूल ने उसे प्लेन हाईजैक की जिम्मेदारी दी है। साथ ही उसने BSF को बताया कि दो और लोग उसके साथ इस काम को अंजाम देंगे। हाशिम के अनुसार ऐसा करने के लिए उसे खुद मकबूल भट्ट ने कहा था, ताकि सहयोग के नाम पर BSF उस पर नरमी बरते, और ऐसा ही हुआ भी। BSF ने हाशिम को अपने साथ काम करने का न्योता दिया। साथ ही उसे सब इंस्पेक्टर की पोजीशन देखकर श्रीनगर के हवाई अड्डे पर तैनात भी कर दिया, ताकि वो NLF के बाकी सदस्यों की पहचान कर सके। सब इंस्पेक्टर रहते हुए हाशिम अपने प्लान में लगा रहा। उसने श्रीनगर एयरपोर्ट की रेकी कर पूरी जानकारी अपने साथी अशरफ तक पहुंचाई। दिसंबर 1970 तक पूरी प्लानिंग हो गई थी। सिर्फ एक समस्या सामने थी। हाशिम जो ग्रेनेड और पिस्तौल लाया था उसे BSF ने अपने कब्जे में ले लिया था। इस मुश्किल का हल ढूंढते हुए दोनों ने तय किया कि एक नकली पिस्तौल खरीदेंगे। इसके बाद ग्रेनेड बनाने के लिए एक कारपेंटर ढूंढा गया, जिसने लकड़ी का एक ग्रेनेड बनाया
जो पेंट करने पर बिल्कुल असली ग्रेनेड जैसा दिखने लगा। हाईजैकिंग के लिए 30 जनवरी 1971 की तारीख चुनी गई। इस तारीख को चुनने का एक खास कारण था। दरअसल इस दिन राजीव गांधी के श्रीनगर आने का प्लान था। ठीक एन मौके पर दोनों एयरपोर्ट पहुंचे, तब पता चला कि राजीव का प्लान हो गया है कैंसिल। इसके बाद दोनों ने तय किया कि एक दूसरे विमान को हाईजैक करेंगे। जो प्लेन चुना गया था उसका नाम था गंगा। ये काफी पुराना प्लेन था और काफी पहले ही रिटायर भी किया जा चुका था, लेकिन हाईजैकिंग से ठीक पहले आश्चर्यजनक ढंग से इसे दोबारा इंडियन एयरलाइंस में शामिल कर लिया गया था। क्यों, ये आपको आगे की कहानी से समझ आएगा। एयर इंडिया में एक टाइम प्लेन्स को इस तरह के नाम दिए जाते थे, कनिष्क, सम्राट, अशोक, इस तरह के। गंगा भी ऐसे एक नाम है। अब देखिए हाईजैकिंग के दौरान क्या हुआ। सुबह 11:30 पर प्लेन ने उड़ान भरी श्रीनगर से जम्मू की तरफ। लगभग पौन घंटे बाद जैसे ही प्लेन लैंडिंग को तैयार हुआ, हाशिम प्लेन के कॉकपिट में घुस गया। उसने अपनी नकली पिस्तौल निकाली और पायलट की कनपट्टी पर रख दी और पायलट प्लेन रावलपिंडी ले चलने को कहा। इस बीच सीटिंग एरिया में अशरफ अपनी सीट से उठा और उसने नकली ग्रेनेड हाथ में ले लिया। विमान में उस रोज भारतीय सेना के कप्तान भी बैठे थे। उन्होंने अशरफ से पूछा कि यह कौन सा ग्रेनेड है। अशरफ ने जवाब दिया कि फोड़ के दिखाता हूँ, पता लग जाएगा कौन सा है। इधर कॉकपिट में पायलट घबराए हुए थे। उन्होंने हाशिम से कहा कि प्लेन में इतना फ्यूल नहीं है कि रावलपिंडी पहुंचा जा सके। तय हुआ कि प्लेन को लाहौर ले जाया जाएगा। लगभग 1:30 प्लेन लाहौर हवाई अड्डे पर उतरा। यहां हाशिम ने पाकिस्तानी अधिकारियों को अपनी पहचान और मकसद के बारे में बताया। दोनों ने मांग रखी कि उनकी मकबूल बट से बात कराई जाए। बात तो नहीं हो पाई, लेकिन अशरफ और हाशिम महिलाओं और बच्चों को छोड़ने को तैयार हो गए। कुछ देर में सभी लोगों को छोड़ भी दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तानी अधिकारी यात्रियों को लाहौर के एक होटल में ले गए। कुछ दिनों बाद इन्हें सही सलामत वापस भेजा गया भारत। लगा कि मामला निपट गया, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। हाईजैकिंग के कुछ घंटों में ही ऑल इंडिया रेडियो ने यह खबर पूरे भारत में फैला दी। वहीं शाम तक पूरे पाकिस्तान को भी हाईजैकिंग का पता चल गया। जब लोगों को पता चला कि कश्मीर की आज़ादी के लिए दो लड़के प्लेन उठा ले गए हैं, एयरपोर्ट पर उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जमने लगी। पाकिस्तान की बात हो रही है। अशरफ और हाशिम रातों रात पाकिस्तान में हीरो बन गए। मामला इंटरनेशनल हो गया। वहीं एक दूसरा मामला और था जो जल्द ही इंटरनेशनल होने वाला था। 1970 में पाकिस्तान में हुए चुनाव, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान की आवामी लीग ने बहुमत हासिल किया विधिवत चुनाव में। नियमानुसार सत्ता उन्हें मिलनी चाहिए थी, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के गोरे पठान सांवले बंगालियों को अपने से कमतर समझते थे, इसलिए सरकार बनने में अड़चन डालने लगे। जनवरी महीने में इस मामले में पैरवी के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो पूर्वी पाकिस्तान पहुंचे ताकि शेख मुजीब से मुलाकात कर सके, उन्हें मना सके। 2 फरवरी को भुट्टो पाकिस्तान लौटे तो उन्हें हाईजैकिंग का पता चला। आनन फानन में भुट्टो लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे और दोनों हाईजैकर से मुलाकात की और उन्हें प्लेन से बाहर आने को मनाया। इसके बाद पाकिस्तान सुरक्षा बलों ने प्लेन में आग लगा दी। हाशिम और अशरफ को एक गाड़ी में बैठाकर शहर में जुलूस निकला। लाहौर के तमाम नेता एक बार उनके बगल में खड़ा होना चाहते थे, तो वहीं जनता उन पर फूल बरसा रही थी। अगले 2 दिनों तक पाकिस्तान में जश्न का ही माहौल रहा, जिसमें खलल पड़ा 4 फरवरी को। क्या हुआ इस दिन? खबर आई कि भारत ने हाईजैकिंग के आधार पर पाकिस्तानी प्लेन्स के इंडियन एयर स्पेस में घुसने पर रोक लगा दी है। अब यहां से कहानी में गजब ट्विस्ट आता है। अंतर्राष्ट्रीय एविएशन कानूनों के हिसाब से 1947 के बाद भारत पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच एक ब्रिज की तरह काम कर रहा था। यानी पाकिस्तान के विमान सीधे भारत की एयर स्पेस से ट्रैवल कर सकते थे। अब भारत के इस कदम का मतलब था कि पाकिस्तानी जहाजों को श्रीलंका से घूमकर पूर्वी पाकिस्तान जाना पड़ता, जो पैसे और समय की बहुत बड़ी बर्बादी होती। लेकिन मामला सिर्फ पैसे का नहीं था। जल्दी भारत के इस कदम से पाकिस्तान अपनी आधी जमीन से हाथ धोने वाला था। क्यों? फरवरी 1971 के हालात देखिए। पूर्वी पाकिस्तान में दिन पर दिन तनाव बढ़ रहा था। आवामी लीग अपने नागरिकों को विद्रोह के लिए भड़का रही थी। पाकिस्तान वहां सैनिक भेजकर स्थिति कंट्रोल करने की फिराक में था। ऐसे में ऐन मौके पर भारत के इस कदम ने उनके लिए मुसीबत बढ़ा दी। पाकिस्तान को जब तक एहसास हुआ, खेल पूरा हो गया था। ये पूरा प्लान दरअसल RNAW, जिसे हम रॉ भी कह देते हैं, उसका था। 1968 में रॉ के गठन के बाद से ही रामेश्वर काव पूर्वी पाकिस्तान पर नज़र बनाए हुए थे। जब उन्हें पूर्वी पाकिस्तान में बिगड़ते हालात का अंदाज़ा हुआ, तो उन्होंने पाकिस्तान की सपोर्ट लाइन को काटने का प्लान पहले ही तैयार कर लिया था। RNAW के संस्थापक सदस्य बी रमन ने अपनी किताब द काव बॉयज ऑफ रॉ में लिखा है, हाईजैकिंग के कारण इंदिरा गांधी सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी। इसकी वजह से पाकिस्तान सही समय पर सैनिक और उपकरण नहीं पहुंचा पाया एयर रूट से, और इस फैक्टर ने बांग्लादेश युद्ध में उसकी हार में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई।
उधर पाकिस्तान में जैसे ही एहसास हुआ कि पूरा गेम था क्या, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। राष्ट्रपति याया खान के इशारे पर तुरंत हाशिम अशरफ, मकबूल बट और चंद और लोगों को हिरासत में लेकर एक इंक्वायरी बिठाई गई, जिसकी जांच रिपोर्ट में कहा गया कि हाशिम कुरैशी एक भारतीय एजेंट था और भारत ने साजिशन इस घटना को जानबूझकर अंजाम दिया था। पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया, लेकिन जब तक मामला निपटता पाकिस्तान अपनी आधी जमीन से हाथ धो बैठा था। मार्च में शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट की शुरुआत की। भारत ने मुक्ति वाहिनी के गठन में मदद देना शुरू कर दिया। अक्टूबर तक मुक्ति वाहिनी विद्रोहियों के सामने पाकिस्तान के पैर उखड़ने लगे थे। 6 अक्टूबर को हुई एक बड़ी लड़ाई में पाकिस्तान के 500 से ज्यादा सैनिक मारे गए। 3 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हुई, जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया पश्चिमी फ्रंट से, और 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण भी कर दिया। प्लेन हाईजैकर्स का क्या हुआ? मकबूल बट सहित बाकी लोगों को इस मामले में रिहाई मिली। वहीं हाशिम कुरैशी को जासूसी के जुर्म में 9 साल पाकिस्तानी जेल में रहना पड़ा। साल 2000 में कुरैशी भारत आया, जहां उसे पाकिस्तानी एजेंट होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कुरैशी का कहना है कि न तो वो पाकिस्तान का ही एजेंट था न भारत का। उसने दावा किया कि उसने दोनों देशों का इस्तेमाल अपने मकसद के लिए किया। मकबूल बट 1976 में एक बार फिर कश्मीर लौटा। उसने एक बैंक लूटने की कोशिश की, लेकिन उसे फिर पकड़ लिया गया और इस बार भी उसे फांसी की सजा सुनाई गई और 1984 में तिहाड़ जेल में उसे फांसी दे भी दी गई। इसी के साथ तारिक का आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। इस एपिसोड को लिखा था कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे साथी जतिन ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।